ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो है बेहद खास। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हम तीन उपाय बताएंगे जो बिल्कुल वर्क करता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि वर्क ना करे। श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। तो मैं जो टॉपिक मैंने टाइटल में लगा रखा है उसे ही मैं सबसे पहले बताऊँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सभी माता पिता तक जरूर पहुंचनी चाहिए। शायद ही कोई एक आध घर में ऐसा कोई बालक होगा जो इन चीज़ों का शिकार ना हो। तो तीनों उपाय किसी न किसी के प्रॉब्लम में फिट जरूर करेगा। चलते हैं आगे कि आज का विशेष उपाय की तरफ। अगर आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा बहुत जिद्दी है, चिड़चिड़ करता है, अथवा वह बात नहीं मानता है, या किसी गलत संगत में फंस गया है, अगर वो बड़ा आदमी हो गया है तो अगर हम उसे ये कार्य करवाएंगे तो वो हो सकता है कि ना करे, मगर बालक है तो करवाएंगे तो वो कर लेगा। अगर किसी के साथ मतलब ऐसा चीज़ नहीं भी है तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए भी माता पिता जीवन में एक बार, दो बार, साल में या महीने में एक बार इस उपाय को अवश्य करते रहें। करना क्या है? बुरी से बुरी संगत में फंसे हुए बालकों के लिए ये उपाय कारगर साबित हो रहा है, तो आप भी जरूर कीजिए। शिवरात्रि है, शिवरात्रि के विशेष मौका पे जरूर आप कीजिए। जैसे कि त्यौहार आता है उस पे अगर हम करते हैं तो विशेष रिजल्ट इसका अच्छा मिलता है। हमें लेना है लाल चंदन और शहद। उपाय नंबर एक, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उनके लिए, अथवा जो बच्चे चिड़चिड़ करते रहते हैं या गलत संगत में फंस गए हैं। गलत संगत कुछ भी हो सकता है, किसी गलत फ्रेंड्स के चक्कर में फंस गए हों, अथवा किसी गलत नशे में फंस गए हों, अथवा उनकी हाव भाव आपके घर का रूटीन को मैनेज करने में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि घर में तो चल भी जाता है। अगर अपने साथ हम कहीं बालक को बाहर लेकर जाते हैं, अगर उस तरीके से वो नहीं रहता है तो हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो पूजा पाठ के नाम से ही पहचाने जाते हैं कि उनके माता उनके पिता बहुत ही पूजा करते हैं, और उनके बालक को 0/0 पूजा का अथवा आचरण का ज्ञान होता है। तो हमें लेना है लाल चंदन और लेना है शहद। ये दोनों चीज़ शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, डिब्बी का बना बनाया नहीं होना चाहिए। ये महाराज जी बार बार कहते हैं। तो अभी त्यौहार आने में कुछ दिन बाकी है, तो आप पहले से चंदन की या बट्टी खरीद लें, जो लकड़ी आता है चंदन की उसे आप खरीद कर ले आए। लाने के बाद उसे आप शिवरात्रि पर, प्रदोष पर, सोमवार को इस तरीके से, अथवा अगर आप कोई भी मासिक शिवरात्रि आती है उस पर भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि दो मासिक शिवरात्रि आपको मिलेगी, दो प्रदोष व्रत भी मिल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से आपको हर महीने में ये चार तिथि तो मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ष में एक बार आने वाले शिवरात्रि पर ही हम इस उपाय को करेंगे। इस तीनों उपाय को आप इन चारों तिथियों पे कर सकते हैं, अथवा आने वाले विशेष विशेष तिथियों पर भी करेंगे। तो लेना है लाल चंदन और शहद, दोनों ही प्योर होना चाहिए। आप इसे बट्टी पर घिस ले और घिस के महादेव को लेपन करें। लेपन आपको बच्चे के हाथ द्वारा ही करवाना है कि जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके में कुछ आपको कमी दिखाई दे रहा है, बच्चा बात नहीं मान रहा है, या जो भी बच्चा आपको दिखाई दे रहा है कि वो सही नहीं जा रहा है राह पे, उसी से करवाना है। अब कैसे करवाना है ये आपके ऊपर बनता है।
महादेव की कृपा रही तो जरूर ही आपके बच्चे गलत संगत से बाहर निकल जाएंगे। उपाय नंबर 2, उन सभी के लिए जो कि कोई कार्य अटका हुआ हो नहीं रहा है, एक संकट के बाद दूसरा संकट, हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही लगा रहता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, ऑफिस वर्क करने वाली महिला हो अथवा घर में रहने हो, मेंटली तो वो कुछ ना कुछ तो डील करती रहती हैं। तो ये लोग भी जरूर करें, उसको भी हमें लाल चंदन से शिवलिंग पर आप लेपन करें। लेपन करने के बाद गंगा जल से अथवा जो भी आप पानी पीने का यूज़ करते साफ जल से उनको स्नान कराएं। लोटे में लाल चंदन मिलाकर उनको स्नान कराएं, फिर सादा पानी से स्नान कराएं। इस तरीके से आपको उस दिन 4 बार स्नान कराना है, इन में मतलब जो लोग संकट में फंसे हैं उनके लिए। एक बार उसमें लाल चंदन डालकर स्नान कराना है, पहले सादे पानी से, फिर लाल चंदन पानी से, फिर लाल चंदन को लेपन करके उसके बाद फिर स्नान कराना है, फिर साफ पानी से फिर स्नान कराना है, उसके बाद महादेव का श्रृंगार करना है। ऐसा करने से आपके संकट कट जाते हैं, संतान की भी प्राप्ति होती है। तो आप इस उपाय को भी जरूर कीजिएगा और रिजल्ट अच्छा मिले तो आप महादेव के भक्त होंगे, तो आप हमारे कमेंट में भी कर सकते हैं और महाराज जी के भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप हाईलाइट हो जाएंगी। उपाय नंबर 3, जिन बालक बालिकाओं के शादी न हो रहा हो, 30 साल के, 35 साल के, 40 बरस के हो गए हो, वो इस उपाय को करें। बहुत बच्चों का शादी हो गया इस उपाय करने से, ना कोई काल सर्पदोष की कोई विधि करानी पड़ी है ना की कुछ। जब हम शिव की पूजा कर लेंगे, शिवालय की पूजा कर लेंगे, शंकर भोलेनाथ की पूजा कर लेंगे, तब अशोक सुंदरी के जो जगह होती है उस पर हमें लाल चंदन की 7 बिंदी लगानी है। अशोक सुंदरी के जो नाग की तरह बनी हुई होती है उसके ऊपर से नीचे तक 7 बिंदी लगानी है। 7 बिंदी लगाने के बाद उस पर आपको 7 बेलपत्र रखने हैं। 7 बेलपत्र रखकर अपनी मन की कामना बोल देनी है। तो आप देखिएगा कि ऐसे करने से, आप एक बार भी कीजिएगा तो आपके 3 महीने में 4 महीने में शादी के योग बन जाते हैं और बहुत लोगों का तो शादी फिक्स भी हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय था लाल चंदन की 7 बिंदी लगाने का, और इसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये तीनों ही उपाय, ऐसा कोई भी घर नहीं है जो इन प्रॉब्लम से जूझ ना रहा, उसके फैमिली में कोई ना कोई का बच्चा, किसी न किसी का बच्चा गलत संगत में है, अथवा वो संगत में ना हो तो किसी का बच्चे होने की या कोई काम अटक ही रहा है, या किसी के घर में शादी में हो रही रुकावट आ रहा हो, भगवान ना करे ये तीनों चीज़ हो, लेकिन एक समय के साथ सबके साथ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो महादेव की श्रद्धा से पूजा करते रहें, छोटे छोटे उपायों को करते रहें। हमारा काम है कर्म करना, देना और ना देना भोले बाबा के ऊपर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। लिखने से, एक धार्मिक वीडियो को सपोर्ट करने से, हर हर महादेव लिखने से भी भाग्य की उदय होती है। तो महादेव की कृपा चाहिए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिस कर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और नहीं कटना, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहरा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। इसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो दो पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो, परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देवाधिदेव महादेव जरूर डालता है, निश्चित है।
हम तो बेटियों से भी करते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल 30 साल 27 साल 28 साल 32 साल 40 साल हो गए, नहीं हो रहा बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, बाबा जी का करेगा 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है, शिव तत्व।